जल्दी से हमारे घर पे आ जाओ, बहुत सारे गुंडे आ गए यहाँ पे गाड़ी गुड़ी की लेके और हमारे घर पे अटैक कर दो। माता श्री और मेरे को सबको भैया बंदूक दिखा के डरा रहे और कह रहे कि तेरे पिताश्री का जल्दी से आके हमें बचा लो, काफी गंदा सीन हो चुका है। और ड्राइवर अंकल जी माता जी तो बेहोश हो गए, जल्दी से आके बचा लो, मेरे को जल्दी बहुत डर लग रहा है, मेरे को टूई पे डंडा भी मारा है, जल्दी से बचा लो यार प्लीज अंकल जी। हाँ मेरे को डर लग रहे हैं। आ गया बस आ गया, तो दिक्कत मतलब अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ। तो गाइस जैसे कि आपने अभी सुना कि जिमी का मेरे पास फोन आया और कह रहा है कि भाई उसके घर पे दंगे हो गए, उसे पकड़ लिया गया। तो भाई जाके देखना ही पड़ेगा कि गाइस हुआ क्या है। घर पे अमांडा भी आ चुकी है और ट्रेसी वगैरह सब। यार ये दंगे, ये मेरे को लग रहा है ना हमने पुलिस वालों से गाइस पंगे ले लिए थे। हमारे माइकल भाई ने उसको तो हमने यहाँ से भेज दिया था, पर दिक्कत ये होगी उनके घर वालों को, भैया पुलिस वालों ने ही करवाया हुआ ये काम, क्योंकि पुलिस वाले खुद करेंगे तो उनकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। अब फटाफट मेरे को निकलना पड़ेगा, मेरे पास अभी कोई व्हीकल भी नहीं है, मैं काम से आया था दोस्त के साथ, इनकी एम्बुलेंस ही ले जाता हूँ। यार इनका लॉक खोलना पड़ेगा फटाफट गाइस, तेरी भैंस की। चलो 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 जल्दी 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 एम्बुलेंस लेके गाइस जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी कोई अवेलेबल नहीं है, तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। और मेरे को फटाफट जाना भैया इसके घर पे, इतनी दूर। अरे ये रहा घर यार, कोई नहीं देखते कैसे ना कैसे तो जाएंगे। रास्ते में किसी की भाई गाड़ी गुड़ी मिल गई तो उसी में जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे ना एक बार एक काम कर सकते हैं हम, सैंडी सोर एयरपोर्ट का है, एयरपोर्ट में एक बार चेक कर लेंगे, अगर कोई भी प्लेन हमें मिला हो ना भैया वही उठा कर निकल लूँगा, उसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। देखते हैं अब प्लेन प्लेन मिल जाएगा तो काफ़ी सही रहेगा यार हमारे लिए भी। बाकी प्लेन मेरे को लग नहीं रहा कि होगा, क्योंकि इस बंदे ने कही थी भैया अरे बिल्ली रास्ता काट रही है तो इस टाइम। अरे यार एक जिमी जुमी के करना दे वो कुछ यार। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, जिमी ने छुप के फ़ोन करा होगा गाइज। अबे कहाँ है ये, अबे यहाँ गाइज एक प्लेन खड़ा है उसी में जाना पड़ेगा। ये बंदा कहाँ है इनका, इसका बंदा कहाँ है मुझे ये देखना पड़ेगा। चलो कोई नहीं बंदा तो है नहीं, और तो गाइज ये बंदा तो यहाँ दिख नहीं रहा है, मैं तो प्लेन लेके निकल रहा हूँ भाई। और एक ये खच्चर सा प्लेन यहाँ खड़ा हुआ है, तो भाई एक है तो चलो हम तो निकल रहे हैं, मुझे नहीं पता किसका। तो ठीक है गाइज मैं तो बैठ रहा हूँ भाई, चलो चलो जल्दी यार। एक तो एक खच्चर सा प्लेन है, कोई चल जाए बस, मेरे को तो एक बार जाने से मतलब है यार। और वहाँ पे भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे भैया लैंडिंग में बिना उन्हें कुछ बताए वगैरह करने वाला हूँ। कोई नहीं अब जो होगा देखा जाएगा भाई, हमें तो जाने से मतलब है यहाँ से। अबे चल जा, अबे चल क्यों रहा है, ये मर मर के तो चल रहा है यार, ये मेरे को तो इसमें शक हो रहा है ये चलेगा भी ढंग से या नहीं चलेगा। चलो कोई नहीं देख लेंगे। और तेल तूल है भी इसमें, अबे यार तेल तूल गाइस मुझे ऐसे ही मामला लग रहा है, इसमें तेल है भी या नहीं भी मुझे तो ये भी नहीं पता यार। चलो कोई नहीं अब तो देख के ही पता चलेगा भाई क्या ही सीन है। और ये हमने प्लेन उड़ा दिया, आप देख सकते हो काफ़ी जल्दी उड़ा दिया हमने, और काफ़ी ज़्यादा जल्दी है, क्योंकि जिमी ने मुझे ये बोला भाई आगे से पूरा रास्ता बंद कर रखा है और वहाँ कट्टे कुट्टे भी पूरे रख रहे हैं। तो कट्टे तो भाई मेरे पास तो हमेशा रहती है जैसे कि तुम्हें पता ही है, तो फटाफट लैंड करवाना है यार। लैंड भी करवाऊँ या नहीं करवाऊँ मुझे तो ये, अगर मैंने एयरपोर्ट में लैंड करवाया वो मेरे से टैक्स वगैरह ले लेंगे भैया, एकदम से लैंडिंग करवाई हमने सीधा उन्हें बिना बताए। तो एक काम कर सकते हैं हम, किसी हाईवे में लैंड करवाएंगे गाइस, हो पाए तो वहाँ के किसी आसपास के हाईवे पे लैंड करवाएंगे। अगर फट भी गया तो भैया मेरे को नहीं पता, इसकी जैसी जिसका ये प्लेन है भैया वो अपने आप देखेगा, खुला छोड़ के गया था गाइस वो प्लेन, हमें तो अब अपना जाने से मतलब है। और आप देख सकते हो उसे लगा सैंडी शॉर्ट से कौन ही प्लेन उठाएगा, उसे ये नहीं पता कि ड्राइवर भी यहीं कहीं है भाई, ड्राइवर बड़ा हरामी बंदा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस काफ़ी जल्दी अब हम यहाँ लॉस सैंटोस की गलियों में पहुँच गए हैं। ओ भाई साहब, और अमांडा मेरे को लग रही है ना काफ़ी गुस्से में होने वाली है भाई अब, क्योंकि अमांडा भी घर पे ही है और ट्रेसी भी घर पे ही, और दोबारा से गुंडे आ गए और माइकल घर पे ही नहीं है। वाह यार ये सीन काफ़ी गंदा होने वाला है, और मुझे किसी हाईवे पे पहले तो ये उतारनी पड़ेगी भाई, ऐसे तो मैं काम ही नहीं कर सकता। और हाईवे पकड़ते भाई गाइस, कौन सा हाईवे पे उतारे भाई। ओके तो ये हाईवे मेरे को लग रहा है कि कुछ कर सकते हो। अरे 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 नहीं 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 अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं यार, उतार तो हम इसी में सकते थे। चलो कोई नहीं यहाँ देखते हम, कोई नहीं कोई नहीं, हाँ सामने वाले हाईवे में हम उतार सकते हैं, बस ये काम कर जाए यहीं उतारेंगे गाइस हम। ओके 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 ओ, तो आप देख सकते हो गाइस हमने बीच यहाँ पे चला हाईवे पर रोक दिए। चलो 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 जल्दी 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 चल भाई, चल 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 चल, किसकी गाड़ी लूँ, तेरी भैंसी गाड़ी तो देखे जाता। अब यार अब यहाँ कोई गाड़ी नहीं रोकने वाला, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, जट दट राला ही रोकना पड़ेगा गाइस मुझे, जट दट ट्राला भी लो 3 लाख 10 दस सेकंड महंगी तेरी नैनो कार। तो ट्राला नहीं रोका तूने, यार ट्राले वाले को मैंने गोली तो पूरी मारी थी, ये क्या हुआ यार 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 क्या करूँ गाइस, मैंने एक ट्राला तो रोका ही, अरे जाने देना क्या कर रही है गाड़ी वाली भी यार, यहाँ तो मेरे को निकलना ही पड़ेगा फटाफट। और ट्राले वाले को भैया क्या करूँ, गोली गोली मेरे को चलानी ही पड़ी, अब फटाफट उसे निकालते और ये ट्राला रोका है मैंने। चल 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 जल्दी चल जल्दी चल, ऐसे काम नहीं चलने वाला। ओके तो गाइस आप देख सकते हो ट्राले वाले की तो ऐसे ही करती मैंने, अब ये ट्राला मेरा हो चुका है, अब भाई निकालनी पड़ेगी मुझे।
अरे जाने दे बे, मैं तेरे सही में गाड़ी पिचका दूंगा। वैसे जिमी तेरी भैंस की हट। माइकल ने मेरे को कहा था भाई जिमी का ख्याल तू रखेगा ट्रेवर, और उसने मेरे को ख्याल के लिए बोला था, तो भाई मेरे को रखना ही पड़ेगा गाइज। और मैं माइकल को बता नहीं सका, नहीं तो वो एकदम से लॉस सैंटोस आ जाएगा और पुलिस उसे भी पकड़ लेगी। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए भैया फटाफट ट्रेसी वगैरह को और उसे भी बोलना पड़ेगा। और अमांडा को तो मैं ये बोल दूँ कि भाई ये तो थोड़ा ये बिजनेस वगैरह के दंगे हुए हैं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। अमांडा को तो यही बोलना पड़ेगा, अरे हटा लेना गाड़ी वाला कौन सा है। अमांडा को बोलूँगा माइकल को बिजनेस था, उसी में ही जो अलग से हमने डील कैंसिल कर दी थी, इसलिए वो पंगे ले रहे हैं, ताकि अमांडा भी ये सोचे कि हाँ ठीक है कोई इसने दंगे वगैरह नहीं करे, नहीं तो अमांडा तो तुम्हें पता यार उसे छोड़ के भाग जाएगी। ओ हो, वैसी बड़ी मुश्किल से आई थी। और अब हम जा रहे गए सीधा फटाफट माइकल दादा के घर पे, और यहाँ पे उनका घर आपको पता ही होगा, जैसे कि अरे लग जाना, लोकेशन में नहीं लग रही, और मैंने गलती से गलत कट ले लिया। ये देखो गाइस, जिसको मैंने पेला वो यहीं पे ही है। तो भैया पेला ऐसा है, मैंने बेहोश हुआ है, ऐसा नहीं है कि मर गया है। जब भैया मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा अपने आप ट्रक लेके उठेगा जब ले जाएगा, और ट्रक की थोड़ी हालत इसे टेढ़ी मेढ़ी मिलेगी हालांकि। चलो कोई नहीं है, ट्रक तो दे दूँगा मैं, उल्टा इतना हरामी वाला काम भी नहीं कर रहा कि ट्रक भी उल्टा ना दूँ। अरे हट जाओ यार, यहाँ पे इतने दंगे हो रहे हैं, हट जाओ। हाँ शाबाश। तो गाइस जब हम फ्री अपनी वाली लाइन में आ चुके हैं, ये अपने पीछे पड़ा कौन है ये? आ जा देखूँ तो सही, साला है कौन। हाँ भाई क्या चाहता है तू, तेरे साथ ही ऐसे ऐसी करा लूँ पहले। आ जा इसी से मारूँ, आ जा। हाँ क्या नहीं चोड़ में क्यों आ रहा था? भैंस ही कट्टे देख के तो इनकी फट जाती है, फिर आते गए चोड़ में ये। चलो हम निकलते अपना ट्राला लेके। पता नहीं क्या ही समझाया नहीं इन्होंने अपने आप को। वो देखो गाइस वो भागा, अब इसको डराना तो बनता ही यार, हमारे पीछे पंगे कर रहा था। ओहो उड़ाई दिया गाड़ी वाले ने, अब हम कुछ नहीं करने वाले इसके साथ, क्योंकि गाड़ी वालों ने हमारा बदला ले लिया एक प्रकार से। ट्राला चढ़ जाएगा, चढ़ जा। अरे चढ़ जा तेरी भैंस की ट्राले की। तो गाइस मैंने सही में इसकी ऐसी ऐसी कर दी है, पीछे ही ले लूँ। अबे ट्राला अटक गया। अरे अरे चल 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 यार, ये हवा में है, टायर क्या करूँ मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। कोई नहीं हम निकाल लेंगे। निकल गया। दोबारा से ट्राई करते हैं, ट्राला चढ़ जाए तो काफ़ी सही रहेगा हमारे लिए। ओके और चढ़ गया। तो गाइस ट्राला चढ़ गया और हम काफ़ी करीब हैं। अगर मैं ये रोड नहीं लेता ना तो काफ़ी टाइम लगता हमें, गाइस हमें यहाँ पे आने के लिए भाई। तो भाई अब तो दोबारा निकल चुके हैं, कोई चक्कर नहीं, अब तो काम कर ही लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कट्टे कुट्टे पूरे ले लिए और अपनी वेस्ट वगैरह भी पहन लिया करते। अब देखता हूँ जाके कितने गुंडे हैं भाई। बाकी जो हमारा जिमी था वो काफ़ी डरा हुआ लग रहा था मुझे। कोई नहीं, अब फटाफट मैं कर दूंगा। और माइकल को मैंने फ्रैंकलिन को भी बोल देते भाई देख जितनी जल्दी आ पाए तो आ जा, क्योंकि माइकल वो हमारा फ्रैंकलिन जो है ना वो पैलीटो बे गया है, पैलीटो बे की तरफ थोड़ा बैंक के काम से। तो मैंने कहा भाई अब तो जल्दी आ जा जितना भी जल्दी हो पाएंगे। और हम पहुंच चुके जिमी के घर पे। गाइस अभी तो मैं ट्रक यहाँ पे खड़ा करके बैठा हूँ, क्योंकि मैं एक बार ड्रोन से देखना चाहता हूँ कई सीन क्या है, इसलिए ड्रोन से देख लेते हैं। माइकल का घर यहाँ पे आप देख सकते हो। भाई ये क्या है? तो आप देख सकते हो गाइस ड्रोन मेरे को ज़्यादा पास नहीं ले जा सकता। और यहाँ पे इन्होंने ये पूरा बंद कर दिया भाई, ये बोरी लगा के आप देख सकते हो। और यहाँ पे भैया प्लेन वगैरह भी खड़े हैं, मैं बंदों की लोकेशन देख लूँ। एक बंदा यहाँ है, ठीक है। दूर से ही प्लेन हमें उड़ाना पड़ेगा, आप देख सकते हो। भाई क्या ही सीन है, यहाँ गाड़ियाँ गुड़ियाँ भी लगा दी। ओ भाई अंदर भी बंदा है, ये गेट भी हटा दिया गाइस, और अंदर बंदा है और ऊपर बालकोनी में भी बंदे हैं। कोई नहीं, हमें ये सब कुछ देखना सही में जरूरी था। ये तो शुक्र करो मैं ड्रोन ले आया था अपने साथ में भाई। और रास्ते तो पूरे ही बंद कर रखे हैं। और मेन गेट की बात करें तो यहाँ इन्होंने मेन गेट यहाँ वाला तोड़ के इसके ऊपर ये बोरिया वगैरह लगा दिया है, और ये वाला गेट भी खोल के यहाँ पे गाड़ी लगा दी ताकि डायरेक्ट कोई आ ना पाए। कोई नहीं, अब मैं तो तैयार हूँ भाई कट्टे लेके ले जाने के लिए, हम तो चलते हैं यार। ओके तो गाइस मैं निकल चुका हूँ, मेरे को तो मिली भगत लग रही है भाई। ये पुलिस वालों ने ही भेजे ऐसे तो भाई क्यों ही आएंगे, क्योंकि हमारे जितने भी गैंग के साथ पंगे थे ना वो सब सॉल्व हो गए थे। अभी ज़्यादातर गैंग के साथ पंगे थे ही नहीं यार। और हेलीकॉप्टर में आया भैया, इतने ऐसी कोई गैंग है नहीं जो यहाँ के ठुल्ली पुल्ली थी जो हेलीकॉप्टर में आ जाए। कोई नहीं, अब घुसूँ तो घुसूँ कहाँ से, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। गेट से जाऊँगा तो दंगे हो जाएंगे, तो इस ट्रक को हम यहीं छोड़ते हैं गाइस। और मैं स्टन गन पेलूँ तो सबको, मेरे को लग रहा है स्टन गन काफ़ी सही रहेगी, पर मुझे बंदा पेलना यार सीधा, क्या ही करूँ। और मेरे पास मैं सप्रेसर वाली अपनी गन नहीं लेके आया यार, क्या करा मैंने। चलो कोई नहीं, बिना सप्रेसर वाली गन से मारना पड़ेगा गाइस आज हमें। तो एक काम करते हैं, कवर लेके जाएंगे। ओके यहाँ कोई बंदा तो नहीं है यार, यहाँ ही बंदे खड़े हैं, और यहाँ से मैं खुद भी नहीं सकता यार। कोई नहीं, पीछे वाला रास्ता देखता हूँ गाइस मैं। अगर पीछे वाला रास्ते से मेरे को लगा कि हाँ मैं जा सकता हूँ तो वहीं से जाएंगे। और यहाँ से ओके, तो यहाँ से भी नहीं कूद पा रहा मैं। वो ऊपर बंदा है, आराम से जाना पड़ेगा मुझे। कोई नहीं जिमी पुत्र डर मत, जिमी को पकड़ा तो गाइस अंदर ही है, हमें कैसे ना कैसे तो बचाना पड़ेगा। ओके कोई नहीं करेंगे जुगाड़ तो कुछ कर लेंगे। ठीक है
तो यहाँ से बात करें तो गाइस एक बंदा उधर है बस। यार क्या करा मैंने, स्टन गन चलानी थी, ये क्या चला दिया। चल कोई नहीं, कट्टे चल, कट्टे निकाल ले, कट्टे निकाल ले। एक बम फेंकना पड़ेगा गाइस मुझे, ताकि मैं इनका हेलीकॉप्टर पे पहले आग लगा दूँ अगर ये भागने की कोशिश भी करे तो। तुम्हारा फूफा आ गया है, ये देख लो, तुम्हारा फूफा इज बैक। हरामियों अब बताता हूँ मैं कौन आया कौन नहीं। कहाँ हो तुम, आ जाओ। कौन सा चौधरी बनेगा, जिमी को हाथ कैसे लगा रहे हो। अरे यार इन्होंने तो रास्ते बंद कर रखे हैं, कोई नहीं बनाता हूँ इनको शाहरुख खान। तो यार ये वाला बंदा तो मैंने पहले ही दिया जैसे कि आपने देखा। नहीं 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 नहीं, इनको पता है पीछे हेलीकॉप्टर फूटा तो पीछे ही बंदा होगा ये ज़्यादा सर। तेरी भैंस की, इनको पता चल गया मैं इस साइड से आ रहा हूँ। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, दिक्कत बतलो। और अंदर से आवाज़ें भी आ रही है भैया इनकी अमांडा वगैरह की। कोई नहीं हम उन्हें बचा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने तो पूरा ही रास्ता बंद कर रखा है, निकलूँ तो निकलूँ कहाँ से। ओके ओ देख लिया, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। तेरी भैंस की आँख मारूँ लेंडी चोरो। ओके तो यहाँ से तो निकलना मुश्किल लगा है, पहले मैं देख लूँ इनकी कोई गाड़ी गुड़ी तो नहीं खड़ी। और अंदर से गोलियाँ काफ़ी गंदी चल रही हैं, तो यहाँ से तो मैं निकल नहीं सकता। अरे यार ये माइकल का भी मैसेज आ चुका है, मेरे को लगता है गाइस माइकल को पता चल चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो साइड में माइकल का भी मैसेज आ चुका है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, यार इसको किसी ने बता दिया, मेरे को लग रहा है जिमी ने फ़ोन कर दिया गाइस माइकल को भी। मेरे को यहीं घुसना पड़ेगा, यहीं कवर ले सकता हूँ भाई मैं। तेरी भैंस की, कवर ले लिया गाइस मैंने, अब ये इन्हीं के इलाके में मैंने कवर ले लिया। आ जा आ जा, जा भैंस की यहाँ रुक जाओ, बंदे अभी भी हैं। कोई नहीं ठीक है, यहाँ से निकलना ही पड़ेगा मुझे। अंदर से अमांडा चिल्ला रही है गाइस आप देख सकते हो। तेरी भैंस की यहाँ, आ जा आ जा आ जा, और कौन सा है। ओ भाई बंदे ज़्यादा, कवर ले कवर ले कवर ले कवर ले। तेरी साले गेट गेट पे खड़ा है, खाले गेट गेट पे खड़ा है, गेट पे कैसे खड़ा है तू। भाई 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हेलीकॉप्टर मैंने फोड़ दिया ताकि भैया और हेलीकॉप्टर आए तो पता चल जाए। यार एक सेकंड बम ही फेंकना पड़ेगा वहाँ तो। कोई नहीं यार, अंदर से बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है वो। आ जाओ तुम फटोगे बेटा अब, आ जाओ तुम्हारी ऐसे थी। और कोई आएगा जल्दी बताओ, आ रहा है कोई और नहीं बता दो, अभी भी आ रहे हो तो। अरे भैंस की आई गई तो, मैं मजाक कर रहा था भाई। अरे इन्होंने तो गाड़ी भी पकड़ रखी है गाइस माइकल की। अच्छा बेटा छुप के रहते हो। अरे 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 तू मरते क्यों नहीं, तुम भैंस की इन्होंने वेस्ट वूस्ट पहन रखी है गाइस आप देख सकते हो। आ जा तुम्हारी भैंस की। ओके तो गाइस अंदर बंदा है, तेरी भैंस की। एक बार मैं आसपास देख लूँ भाई, फटाफट अंदर जाना पड़ेगा फिर मुझे। तेरी भैंस की, क्योंकि मैं पार्क बाहर के इलाके पूरा ख़त्म करना चाहता हूँ, ताकि बाहर से कोई बंदा ना आ जाए। ये मर क्यों नहीं रहा। ओहो ओहो ओह ओके ओके तो यहाँ भी बंदा है गाइस। ओह घर के अंदर बंदे। तो गाइस मेरे को घर पे चढ़ना ही पड़ेगा, बाहर वाले की तो ऐसी तैसी। फटाफट घर पे चलते हैं, मेरे को ये डर है उनको कोई गोली गोली ना मार दे, तो फटाफट चलना ही पड़ेगा गाइस घर घर पे। अरे यहाँ से तो मैं निकल भी नहीं सकता। तेरी भैंस की छुपा पड़ा है यहाँ। अरे 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 तेरी भैंस की, फंसेगा तो तू मेरे हाथों ही। तो गाइस यहाँ का तो पूरा इलाका ख़त्म कर दिया मैंने। एक सेकंड वो वाली जगह भी ख़त्म करनी पड़ेगी। ओ बच गया। तो गाइस उनकी गाड़ी भी मैंने फोड़ दी है। ओके चलो यार मैं घुसूँ कहाँ से, ये किसने पेला। मेरे को लगा जिमी छूट गया, फटाफट निकलना पड़ेगा गाइस अब तो। अरे ये दरवाजा, यार ये दरवाज़ा बंद कर रखा है, क्या करूँ मैं। पीछे वाले दरवाजे से जाना पड़ेगा मुझे, अब और कोई चांस तो है नहीं मेरे पास। कोई नहीं हम निकल जाएंगे। ओके तो भाई ये काफ़ी गंदा सीन हो चुका है गाइस आपने जैसे कि देखा। अबे यार ये भी बंद है। अबे यार निकलूँ तो निकलूँ कहाँ से। कोई नहीं हम निकलेंगे। तेरी भैंस की आँख, सीधा ऊपर ही जाना पड़ेगा गाइस हमें। ये कौन है, अरे तू कौन है, अरे कौन है तू लिंडी। ये तो ट्रेसी जैसी लगी, मेरे को लगा ट्रेसी की मित्र है गाइस ये कोई। कोई नहीं हम एक बार ऊपर चढ़ते हैं फटाफट। अरे यार क्या ही गया ये। चलो तो गाइस यही एक रास्ता था ऊपर चढ़ने का। ये क्या है, वो बंदा जरूर यहीं घुसा पड़ा हुआ। ओके ये मैंने कट्टे ले लिए यहाँ से।
तो गाइज आप देख ही सकते हो मैं वहाँ से उल्टा आ गया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रिस्क था और ये गेट बड़ी मुश्किल से खोला है मैंने, और ये बंदे यहीं खड़े हैं भाई। तेरी भैंस की आँख मारूँ, अरे यार कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, तेरी भैंस की कोई रह तो नहीं गया, ओके कोई चक्कर नहीं। अब फटाफट एक बार देखना पड़ेगा गाइज मुझे कोई रह तो नहीं गया, अरे तेरी भैंस की इसको मारूँ पार से, ओके कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। तो गाइज इधर तो काफ़ी गंदा सीन हो चुका है जैसे कि, तो ठीक है गाइज इधर आप देख सकते हो काफ़ी गंदा सीन हो चुका है, और ये देख सकते हो आप यहाँ बंदे वगैरह और सोफे वगैरह के क्या ही हाल करे, और ये बंदे भैया जल गए हैं। मैंने ऐसा मैंने मोली मोली भी फेंकी थी तो उस चक्कर में यहाँ पे ये ऐसा सीन हुआ है। कोई नहीं मैं आपको आगे का भी सीन दिखा देता हूँ, यहाँ पे तो यही सीन कर रखा था इन्होंने, देखो आपको ने वजह से मैंने दिखाया था, बाहर से पूरा ही बंद कर रखा है। ओ भाई यहाँ तो बंदे जल ही गए हैं, और यहाँ पे भी बंदे थे ही और जिनकी मैंने ऐसी तैसी कर दी है, और ऊपर का भी सीन दिखा दूँ तो ऊपर भी मैं जो मैंने मोली वोली फेंकी थी, होप पर तो भैया किसी घर वालों को नुकसान, अरे यहाँ तो आग फैली हुई है यार क्या ही करूँ। तो गाइस ये आग बुझाने के लिए मेरे को पास एक बम बम भी है पर उसका मैं उपयोग नहीं कर सकता यहाँ पे। चलो कोई नहीं अब आग ऊपर का नज़ारा भी दिखा देता हूँ मैं आपको, क्या ही सीन है यार ऊपर। तो ये देखो इन्होंने दीवार पर भी बंद कर रखा था, यहाँ पर बंदा मैंने पेल दिया है, ओते तो ट्रेसी बिल्कुल सेफ है। तो गाइस इस बंदे को भी आग लगी हुई है, और साथ ही साथ ट्रेसी बिल्कुल ठीक है, ट्रेसी के वहाँ पे एक बंदा था मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे 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 तो ट्रेसी तो ये रही गाइस यहाँ पे कितना धुआं हो रहा है, देखो इस बंदे को भी आग उग लग गई है और ट्रेसी तो साइड में ही रहा भाई, और मैंने ट्रेसी को बोल दिया कि भाई तू आग उग बुझा, और जिमी भैया अपना इतना हरामी है, कोई है तो नहीं अंदर यार, ये गोलियाँ कहाँ से चल रही है। और गाइस जिमी बड़ा हरामी है, मैं आपको दिखा दूँ उसकी हरकतें कर क्या रहा है वो आखिरकार। और जिमी को जैसे कि मैंने बोला था कि भाई पहले तो इतना रो रहा था और अब गेम गुम खेलने लग गया है, और उधर भी इसके कमरे में आग भी लगी हुई है, तो इसने कह दिया ठीक है अंकल जी मैं अभी ये गेम खेल के फटाफट आग बुझाता हूँ। भाई इसके भी अलग ही नशे हैं, कोई नहीं आप तो आपने देख लिया क्या ही सीन हुआ जिमी के साथ भी। और अमांडा मैंने देखा नहीं, अमांडा कहाँ है यार, ये क्या सीन है यहाँ, ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये तो अमांडा की फ़ोटो वगैरह है, अमांडा कहाँ है। ओ भाई अमांडा मेरे को इस कमरे के अंदर लग रही है, कोई नहीं देखता हूँ। अरे तो गाइज आप देख सकते हो अमांडा ये लेटी पड़ी है, मेरे को लग रहा है अमांडा बेहोश हो गया, और यहाँ पे भी बंदा मरा हुआ है, तो कोई नहीं मेरे को लग रहा है अमांडा ये जो आग की गर्मी की वजह से बेहोश हो गई, इसको भी फटाफट उठाते हैं गाइज, और फिर इनको भाई अच्छी तरह कहानी बनानी पड़ेगी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे पिताश्री की वजह से हुआ है दंगे दुंगे। बात ये कहते हैं कि बिजनेस में भैया थोड़ा सा ऐसे हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, ये कंपनी जल रही थी तो इसलिए इन्होंने हमला हमला कर दिया, तो यही कहना पड़ेगा गाइज। और बाकी देखते हैं कि क्या किसने हमला करा, क्यों ये हमला करा, और माइकल को भी समझाता हूँ कि माइकल तू वहीं रहे, एक मिनट मैं माइकल को फ़ोन ही कर देता हूँ यार फटाफट। अरे 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 माइकल एक बार देख लेते हैं गाइस ये फ़ोन उठाएगा भी या नहीं उठाएगा यार, ये क्या है फ़ोन उठते ही तो कट हो जा रहा है, मेरे को लग रहा है गाइस सिग्नल नहीं आ रहा है घर पे। तो जैसे कि गाइस आपने आज की वीडियो में देखा कि जिमी के ऊपर अटैक हो चुका है, उसके माता श्री पे उसकी बहन पे अटैक हो चुका है, और माइकल दादा का इनका यहाँ पे कोई पता ही नहीं है भैया, उनको तो मैंने हमने भेज दिया था लॉस सैंटोस से बाहर, और मेरे को बोला गया था कि भाई जिमी का ख्याल तू ही रखेगा, और एकदम से ये ट्रेसी और अमांडा ने धप्पा दिया कि भाई वो एकदम से घर पर आ गई, और साथ ही साथ इन गैंग वालों ने भी धप्पा दे दिया कि भाई ये आ गए हमें मारने। तो कोई नहीं गाइस अब सब कुछ हमारे हाथों में है, हम इनको भी एक अच्छी जगह पे पहुंचा देंगे। तो होप करता हूं गाइस आपको वीडियो में मजा आएगा, तो मजा आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, जल्दी से गाइस कर दो। तो मिलते हैं जी बेहतरीन व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।